नमस्कार, मैं प्रियंक श्री अरविंद सोसाइटी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम शिक्षा में सुनिवेश नवाचार कार्यक्रम जेड आईआईआई द्वारा संकलित एक अभिनव एवं रोचक नवाचार के बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। इस वीडियो में मैं आपको स्व अध्ययन से संबंधित मणिपुर राज्य के नवाचारी शिक्षकों द्वारा विकसित एक सुनिवेश नवाचार के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है क्रॉस चेकिंग। इस गतिविधि के क्रियान्वयन के द्वारा बच्चों की हैंडराइटिंग बेहतर हो, उनकी चिंतनशील दृष्टिकोण का विकास हो और वह आपस में एक दूसरे से स्वतः कैसे सीखें, एक दूसरे की कमियों से, एक दूसरों की खासियत से, एक दूसरे के स्किल्स से कैसे सीखें, इन सभी चीज़ों के लिए शिक्षक ने इस गतिविधि का निर्माण किया। इस गतिविधि के क्रियान्वयन में शिक्षक ने सबसे पहले बच्चों का टेस्ट लिया, जो भी उन्होंने बच्चों को पहले से पढ़ाया था। पढ़ाने के उपरांत उन्होंने बच्चों से कहा कि अब आप इसको, शिक्षक ने जो निर्देश दिया उसको आप अपने कॉपी में उतार दीजिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए उन्होंने कहा कि चलिए आप लोग एक निबंध लिखिए, एक ऐसे लिखिए। सभी बच्चे लिखेंगे। लिखने के उपरांत शिक्षक ने फिर निर्देश दिया कि अब ये जो आपने ऐसे लिखा है ये आपने बगल में बैठे हुए बच्चे को दे दीजिए, या अपने से आगे वाली सीट पे जो बच्चा बैठा उसको दे दीजिए। मतलब एक दूसरे से एक्सचेंज कर लीजिए। और फिर जब बच्चे एक्सचेंज कर लेंगे तो फिर शिक्षक निर्देश देंगे कि अब आप इनको चेक करिए कि जो कॉपी आपको मिली है उसमें कहां कहां त्रुटि है। जहां जहां त्रुटि है उसको अंडरलाइन करें और जहां जहां सही है उसको सही का मार्क करके उस पर नंबर दे दें। इस पूरी प्रक्रिया में बच्चे बड़े ही माइन्यूटली, बड़े ऑब्जर्वर के तहत उस चीज को करेंगे, सूक्ष्मता से देखेंगे कि कहां कहां क्या क्या, और इसी सूक्ष्मता से देखने के परिणाम स्वरूप उनका चिंतनशील दृष्टिकोण विकसित होगा और वह अपने साथी बच्चे की कमियों को भी जान पाएंगे कि कहां कमियां हैं, और दूसरा उनको उसकी खूबी के बारे में पता चलेगा कहां उसने सही किया है, और इससे वो अपनी कमियों को भी पकड़ पाएंगे कि मुझसे ये गलती हो गया था और ये ऐसे होना चाहिए था। इस पूरी प्रक्रिया में शिक्षक भी मौजूद रहेंगे, जहां पे बच्चे को कंफ्यूजन होगा शिक्षक समय समय पे बताते रहेंगे कि हाँ यहां ये ऐसे होगा, यहां ऐसे होगा, उनका मार्गदर्शन हमेशा बना रहेगा। और इस तरीके से जब बच्चे मूल्यांकन कर लेंगे तो बच्चा जहां पर उसका नाम लिखा हुआ है, जिसकी कॉपी जिसके पास है, उस पर उसके आगे नंबर भी लिख देंगे और फिर कॉपी बच्चे को दे दिया जाएगा। और इस पूरी प्रक्रिया में सभी बच्चे बड़े तन्मयता से भाग लेंगे, उत्सुकता से भाग लेंगे, और उनकी इससे पढ़ने की अधिगम क्षमता का विकास होगा, लिखने की क्षमता का विकास होगा, और साथ ही साथ उनके स्मरण शक्ति का भी विकास होगा। क्यों? क्योंकि वह चीजों को समझेंगे और समझेंगे तो उनके दिमाग में उसकी एक गहरी छाप पड़ेगी। तो हम आशा करते हैं कि नवाचार आपको अच्छा लगा होगा और इसे आप अपने कक्षा और विद्यालय में अवश्य लागू करेंगे। इस तरीके के कई बेहतर नवाचार हम आपके बीच लाते रहेंगे। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे जेड आईआईए का यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे जेड आईआईए का फेसबुक पेज भी जरूर लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।